अरे यश भाई, हाँ भाई, अरे भाई ये क्या ड्रोन की दुकान वुकान लगा रखी है क्या आपने? अरे दुकान वुकान नहीं लगा रहा, बहुत टाइम लगा के ना हाँ। आप लोग इतने कमेंट्स आ रहे थे कि बजट में भी ड्रोन लेके आओ, बिल्कुल उनके बारे में बताओ कौन सा ढंग का है बजट में। ठीक है तो ठीक इतना टाइम लगा के हमने सब ड्रोन के बारे में ना देख ही रहा था कि किसका फ्लाइट टाइम ज्यादा अच्छा है, अच्छा। कौन सा ज्यादा स्मूथ उड़ता है, किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है। तो मतलब आप डिटेल में वीडियो लाने वाले, डिटेल में वीडियो आएगी। ओके। तो आज की वीडियो होने वाली है टॉप 5 हमारे ड्रोन्स, पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आएगा, बट अभी के लिए टॉप 5 ड्रोन्स होने वाले। बजट से स्टार्ट करेंगे, 1799 से 1850 से पहले ड्रोन स्टार्ट होता है, और उसके बाद जाते थे भाई 4000 तक के ड्रोन्स आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। कैमरा क्वालिटी पूरा प्रॉपर बताएंगे, फ्लाइट टाइम बताएंगे, उसके बाद फ्लाइंग क्वालिटी बताएंगे, साउंड होगा ऊपर नीचे, सब चीजें आज की वीडियो में आपको पता चल रहे। क्या बात है। तो इंटरेस्टेड हो ड्रोन खरीदना है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है, और फर्स्ट टाइम यूजर हो ना तो भाई आज की वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको आपका बेस्ट ड्रोन फर्स्ट टाइम वाला मिलने वाला। क्या तो सीधा चलते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एस टेक स्टोर, और आज आपके लिए बहुत टाइम इन्वेस्ट करके एक फेवरेट वीडियो आ गई, क्योंकि आप लोग बहुत ड्रोन की डिमांड कर रहे, तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। टॉप 5 ड्रोन्स बताएंगे, बजट से लेकर टॉप एंड तक चलेंगे, और देखेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा तो आपको पैक इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम वादा करते हैं गिव अवे पैक हम करते हैं विनर को हमारा। okay. आज और सबसे पहले ठीक है भाई, आप लोगों के लिए लास्ट वीडियो हमने रखी थी उसका देखते हैं हमारा, ठीक है। यूट्यूब पे चलते हैं हम, और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने डाला एस टेक स्टोर, यहाँ पर आ गया हमारा, और आपके लिए हमने लास्ट वीडियो ड्रोन्स की डाली थी। तो हम पहले ड्रोन H16 और H63 से पहले हम हमारा आप लोगों के लिए हमारा ये वाला गिव अवे भी रहता है, तो XD01 का एक हमारा लकी विनर बनेगा, तो जो भी मिलेगा उसको वो ये जीतेगा भाई हमारा फेवरेट ड्रोन। उसके बाद फिर LED वाला जो UFO ड्रोन है उसका भी आपको मिलेगा, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम पिक करते हैं आपका फेवरेट भाई, जो भी विनर है उसके लिए आपको ये कमेंट चूज़ करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं, 30 एंट्रीज ही होने वाली हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो भी होता है, और ये हमारा विनर है भाई रॉक्स डिट जो भी है 07, ठीक है, वो विनर है हमारा। तो देख लेना भाई आपका प्रॉपर, आपको ये विनर बन चुके तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना और अपना ले जाना गिफ्ट, ठीक है, जो भी होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा कैसे, बढ़िया बढ़िया भैया, रख दीजिए, साइन करना होगा। थैंक यू सो मच भैया, तुम्हारा अब दूसरी वीडियो थी हमारी UFO ड्रोन की, तो इसका भी विनर पैक कर लेते हैं। यहाँ से शेयर करते हैं, यहाँ से कॉपी लिंक करते हैं, उसके बाद यहाँ इसको रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि भाई ये भी तो ज़रूरी है ना, और इतने व्यूज़ वगैरह नहीं हो रहे, इसलिए आप लोगों के लिए मैं वही कहता हूँ कि कमेंट करो, शेयर करो भाई, वीडियो को ज़्यादा रीच दो ताकि आप लोग जीत सको। बट आप कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो मेक श्योर इस वीडियो कर देना ताकि आप जीत पाओ यहाँ पर इस वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में 5 गिव अवे करेंगे हम लोग, ठीक है, जो भी जीतेगा अपना वो आपका हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। 5 विनर्स होंगे, 99 कमेंट्स हैं, स्टार्ट कर देते हैं। UFO वाली ड्रोन वाली वीडियो का लकी विनर हमारा माँ चौहान 8340, तो भाई आप जीत चुके हो, ठीक है, आपको 2 हमारे ड्रोन पिक हो गए हमारे विनर्स। अब देखते हैं आगे, बीच में ही हम और 2 पिक करेंगे H16 और H63 वाली वीडियोस, अभी के लिए फ़ोन को रखते हैं साइड में, आ जाते हैं हमारा आपकी वीडियो की तरफ। तो ये है हमारा फर्स्ट ड्रोन बजट में अंडर 2000, हम ना ऐसे चलेंगे स्लैब रेट के हिसाब से, ठीक है। वीडियो पूरा आपको कैसे समझना है, पहले हम ड्रोन्स की वीडियो बनाएंगे, ओके, ठीक है, उसके बाद हम इसका फ्लाइंग क्वालिटी दिखाएंगे बाहर कैसा लग रहा है, कैमरा क्वालिटी दिखाएंगे कैसी है कैमरा क्वालिटी, अच्छा। इंडोर या थोड़ा बाहर का दिखा देंगे, फ्लाइट में करते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है तो वो अच्छे से नहीं बता पाएंगे, बट कैमरा क्वालिटी होगी, उसके बाद साउंड क्वालिटी वगैरह ये सब चीज़ें आप खुद नोटिस कर लेना वीडियो के अंदर। तो ऐसे तो मतलब हर ड्रोन का, हर ड्रोन के बाद उसकी कैमरा क्वालिटी सारी चीज़ हर ड्रोन की, हाँ, ओके, तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगी। तो अंडर 2000 ड्रोन पे आ जाते, काफ़ी डिमांड करते E88 Pro आपका होना, E88 Pro, ठीक है, E80 और E88 Pro दोनों सेम ड्रोन्स रहेंगे, बस थोड़ा सा ऊपर क्या होता है E88 Pro की पैकेजिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, okay. और इसका रिमोट थोड़ा अलग सा मिलेगा, एंड थर्ड चीज़ इसकी जो मोटर होगी थोड़ी साइलेंट होगी एज कम्पेयर टू E88, ओके, बस कैमरा क्वालिटी में माइनर इंप्रूवमेंट मिलेगी, जैसे उसका शायद नियरली 4 या 5 मेगापिक्सल का कैमरा, इसका आपका 1 या 2 मेगापिक्सल एक्स्ट्रा का मिलता, मतलब 6 या 7 के अराउंड, बस दैट्स इट, ठीक है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। दोनों में डुअल कैमराज मिलते हैं,
आरसी रिमोट कंट्रोल वाला है, तो आरसी रिमोट कंट्रोल वाला, ठीक है, ऐसी पैकेजिंग हर ड्रोन में मिलेगी, हर ड्रोन में। हाँ, अब ये टिकट की पैकेजिंग देख लो, बहुत ही ऐसा लगता है प्रीमियम पैकेजिंग है। फीचर्स की बात करेंगे तो आपको इसमें HD अल्ट्रा मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंटिंग का थोड़ा इशू रहेगा, लेट्स सी, यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहा, बहुत ही ज़्यादा प्रिंटिंग ऐसी है, बट कोई इशू नहीं है। और भी ज़्यादा मतलब इसमें ब्रांडिंग ही कर रखी, क्या क्या मिलेगा यहाँ पर है यार, हमारा HD लेंस है, हमारा डुअल कैमरा है हमारा, उसके बाद यहाँ पर आपको रियल टाइम एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है जो मैंने आपको बताया, उसके बाद कन्वीनियंट वाला फॉलोइंग है, उसके बाद इसके अंदर कूल LED लाइट है, मतलब LED ब्लिंक करेगा, उसके बाद होल्ड वीडियो मतलब कि वीडियो बना सकता है आपका कैमरे से ही आपके एप्लीकेशन से कनेक्ट करके, उसके बाद लार्ज कैपेसिटी ये बोलते हैं बट 10-15 मिनट्स इनका होता है एप्लीकेशन कनेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बैग पे, कुछ ऐसा बैग मिलेगा इसका आपका, पैकेजिंग भी काफी प्रोफेशनल कर रखी है, काफी बजट के हिसाब से बहुत डिमांड, मतलब अच्छा कर रखा है लोगों ने। अब ये है हमारा EATA ड्रोन, सारे फोल्डेबल ड्रोन्स रहेंगे, सारे ये है सारे, यू करना है आपको ऐसे ये खुल जाता है, ठीक है, बात है। डुअल कैमरा, एक कैमरा दूसरा कैमरा, डुअल मिलेगा बजट में भी, बजट में भी, उसमें LEDs ब्लिंक, ये देखो वाओ, पूरा प्रॉपर एडजस्टेबल कैमरा होता है प्रॉपर, ठीक है। अगर आपको करना है एक जगह नहीं रहेगा, आपकी मर्जी है, रिमोट से एडजस्ट नहीं कर सकता इसको, बट आपको हाथ से करना, मैनुअल करना पड़ेगा। तो ऐसा ड्रोन का रहेगा, फ्लाइट टाइम वगैरह सारी वीडियो भी आएगी आपके पास, देख सकते हो, ये आपका रिमोट का है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑन एंड ऑफ का स्विच मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पर टेक ऑफ लैंडिंग ये सारी चीजें मिलती हैं, फ्लिप 360 भी घूम जाता है, ये भी वीडियो में दिखा रखा है हमने, हाँ जी प्रॉपर। उसके बाद आप यहाँ पर इसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा और फास्ट करें, 3 स्पीड मोड दे रखें, ओके। ऐप से जब कनेक्ट करते हैं यहीं से कैप्चर हो जाती है इसकी, ये बटन से, हाँ बटन से, ठीक है। और ये आपका नेविगेशन वगैरह कैलिब्रेशन, हाँ अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर इसे इसका एडजस्टमेंट हो जाती है, और अगर आपको इसमें फोन कनेक्ट करना तो यहाँ पर फोन आ जाता है, जैसे आपका यही स्मार्टफोन है तो यहाँ पर इसका ऐप डाउनलोड होगा और यहाँ पर फोन आ जाता है, ठीक है, सब ड्रोन में, ठीक है। तो ये हमारा बजट वाला ड्रोन है बहुत। अब आ जाते हैं ड्रोन की तरफ, कैमरा आपने, रिमोट आपने देख लिया, ये हमारा EATA प्रो फोल्डेबल ड्रोन प्रॉपर रहते हैं, LEDs ऐसे ब्लिंक करती हैं, ये दबा के रखना है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, उसमें एडजस्टेबल कैमरा, ये दो रहेंगे और ये आपका प्रॉपर, ठीक है। बैटरी यहाँ पर ऐसे होती है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ओके। ये आपको यहाँ पर चार्जर कनेक्ट करना होता है जो कि इसके साथ मिलता है, साथ में ही आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसको थोड़ा और लुक इसकी अपग्रेड करनी है तो भाई इसके अंदर एक्स्ट्रा एडवांस दे रखे हैं जिससे थोड़ी और लुक अच्छी दिखने को मिल जाती है। देखो आप ड्रोन के साइड में लगा सकते हैं और अच्छा लगेगा। नट, ये आपको स्क्रू ड्राइवर दे रखा है, एफ आपके प्रोपेलर थोड़े 2-3 डैमेज हो गए हैं, उन्होंने दे रखे 4 प्रोपेलर दे रखे, क्या बात है यार, ये आप अपना एडजस्ट कर सकते हो और लगा सकते हो, तो मतलब काफी बढ़िया करवा रखा है आपने। हाँ, काफी बढ़िया चीज है, ठीक है। उसके बाद इसको रखते हैं अंदर, बैटरी ड्रोन की, यहाँ पर आपको USB चार्जर कनेक्ट करना है, उसके बाद अंदर जो चार्जिंग पॉइंट है ध्यान से देखना, ऐसा ना हो आप यूं लगा रहे हो वो टूट जाएगा, अच्छा। हमेशा उसके साथ, और इसको मैच करो जिस डायरेक्शन में है, इंसर्ट करो एंड दैट्स इट, ईजी, मतलब ध्यान से लगाना, ध्यान से लगाना पड़ेगा, और इसको ऐसे प्रेस करके निकालोगे निकल भी जाएगा बहुत ईजी विदाउट एनी डैमेज। डुअल कैमरा, सारे ड्रोन रहेंगे फोल्डेबल, सारेंगे सबके साथ बैग मिलेगा, सबके साथ बैग आएगा प्रोफेशनल, क्या बात है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इस ड्रोन की भी। फ्लाइट टाइम, आप अभी बाहर चलते हैं, अब स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, देख लेना आप खुद ही E88 Pro ड्रोन का फ्लाइट कैसा होता है। चलो बाहर गाइस, ये हमारा E88 Pro ड्रोन, ठीक है। ये और 998 Pro में यही डिफरेंस है कि थोड़ा आपका E88 Pro की जो मोटर है डिफरेंट है, थोड़ी पावरफुल रहेगी, और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है अच्छी है, बट कम स्टेबल है एज कंपेरेटिवली टू अदर ड्रोन, ठीक है। जिनको थोड़ा अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं ड्रोन के, उनके लिए बजट में अच्छा है, बट एज कंपेरेटिवली टू अदर स्टेबल ड्रोन उनमें सबसे थोड़ा ये रहता है, ठीक है। फीचर्स की बात करेंगे, 360 फ्लिप इसमें भी मिल जाता है आपको, उसके बाद आपको पावर इसकी भी मिल जाती है, इसका 360 फ्लिप देख लेते हैं, ये देखो आप खुद सब फीचर्स आपको मतलब सब में मिलेगा ही आपको, ठीक है। तो गाइस आ गए हम अंदर, ये था हमारा E88 Pro ड्रोन, बजट में कैसा लगा? बहुत शानदार लग रहा था, बजट में यार और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा सबसे बढ़िया। अब आपने खुद देखा कि बजट में होने के बाद भी इतना अच्छा उड़ रहा है, इतने सारे फीचर्स है मोबाइल के, रिमोट कंट्रोल है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात भाई, एक चीज सुनो, रिक्वेस्ट है, हमारे पास ड्रोन्स की वीडियोस काफी हैं, तो हर एक में एक आता है कि भाई 720p 1080p एकदम 4K वाला कैमरा मिल जाएगा इनमें। एक कॉमन सेंस लगाइए प्लीज ऑडियंस हमारी, कि आपको अंडर 3000 या 4000 अभी गूगल मारो और आप बताओ आपको कौन सा 4K कैमरा मिल रहा है, बिल्कुल कोई भी आता ही नहीं है 4K कैमरा, मतलब वो 5000-6000 में सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं बहुत बढ़िया मिल जाए, तो कैमरा ही नहीं आ रहा, तो इसमें कैसे आ जाएगा आजकल फोन 10000 के फोन में कैमरा ढंग का नहीं आता। आप ही सोचिए, एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर ही एक तरीके से प्रॉपर उड़ेगा, फोन से कनेक्ट होगा, वाईफाई दे रखा है इसके अंदर जिससे कनेक्ट करे, वीडियो रिकॉर्ड कर, इतनी सारी चीजें दे रखी है हमने, तो आप खुद गेस करिएगा इसकी इतने कम बजट में 4K क्या HD भी नहीं हो सकता, एक्सपेक्ट ही नहीं कर
कर सकते अगर ऑनलाइन कोई बोलता है इसमें 4K है, HD है, वो एकदम फ्रॉड वाली चीज, बिल्कुल बेवकूफ बना देता है। पहली बेसिक सी चीज ही आपने दिमाग में घुसाई है, 4-5 हज़ार में आपको 4K नहीं मिल सकती। उसके अबव जाएंगे तो शायद है, अभी के लिए नहीं है ना कोई ड्रोन, डिसेंट क्वालिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल जो की आपके अच्छा है, बच्चे के लायक, आपके लायक, टाइम पास करेंगे, मजा आएगा। बिल्कुल। अब हो गया 88 प्रो, आ जाते हैं 998 प्रो। भाई अभी 88 प्रो तो हो गया अपना, आप जो कस्टमर हमारे देख रहे हैं उनको ऑर्डर कैसे करना है तो बता दो। इसको देखने के बाद बताते हैं, थोड़ा लंबी बात ना हो जाए, ठीक है। ये देखो 998 प्रो हो गया, ये बहुत दमदार पहला ड्रोन था मार्केट में आया था, जो कि बहुत अच्छी पैकेजिंग और क्वालिटी के साथ आया। पैकेजिंग क्वालिटी काफी बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.4 हर्ट्ज का ये इसके अंदर वाईफाई आता है, जो कि मोबाइल से कनेक्ट कर देता है। ओके। फोल्डेबल सेम 4K कैमरा दे रखा है मैंने, जो सेम बताया, क्वालिटी नॉर्मल डिसेंट होती है, एल्टीट्यूड होल्ड है, एक जगह होल्ड हो जाएगा, वाईफाई ट्रांसमिशन वही कनेक्ट हो जाता है। कुछ ऐसी पैकेजिंग, प्रीमियम पैकेजिंग है सीरियसली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर कुछ ऐसा है, सेम डुअल कैमरा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ ड्रोन इसकी अच्छी होने वाली, इतनी प्रीमियम इसने वो बना रखी है पैकेजिंग वगैरह। ये दोनों अंडर 2000 वाले ड्रोन है भाई, ये देखो आपका, इसने बजट में इतनी बढ़िया पैकेजिंग बना रखी है। डुअल कैमरा, आप सेम डुअल कैमरा, इसकी जो क्वालिटी ऑफ कैमरा और लुक है थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, देखो यहाँ पर मिलेगा। अब जिसको होता है ना, ये देखो कैमरा इसका अंदर, उसको थोड़ा सा बाहर निकलो, इसका अंदर कैमरा देखो, और यहाँ से आप एडजस्ट वगैरह अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिमोट में ऑप्शन दे रखा है, बट मैं वो नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा वर्क नहीं करा, आप लो हमारे पे ट्रस्ट करके और आपको लगे कि भैया क्या है, तो वो चीज़ का होता है, ऐसा ऑन होएगा। क्वालिटी ऑफ ड्रोन देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त है, इसका जो फ्लाइट टाइम है अच्छा है। अगर आप इसको अंधेरे में देखोगे ना, पूरी बॉडी जो अंदर लाइट है ना, पर्पल सी लगती है अंधेरे में, ओके, बहुत प्यार लगता है, हाँ बहुत जबरदस्त लगती है इसकी। और कुछ ऐसा दिखता है नीचे से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो कैमराज हैं, कुछ साइड से ऐसी प्रोफाइल लगती है और साइड से कुछ अच्छा है, मतलब लुक बढ़िया, क्वालिटी फील, वेट भी इसका अच्छा है। बजट में क्या चाहिए? अभी क्यों महंगा है? क्योंकि इसका थोड़ा वेट उससे ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं क्वालिटी थोड़ी हैवी है, गिरेगा तो ऐसा नहीं होगा कि गिरते टूट जाएगा, वो भी नहीं टूटेगा, बट ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, फ्लाइट थोड़ी ज्यादा अच्छी है, कैमरा क्वालिटी ज्यादा अच्छी है इसकी, थोड़ी साइलेंट मोटर है एज कम्पेरेटिवली टू इसकी, अच्छा इसे थोड़ी साइलेंट सारा, हाँ, और स्पीड भी ज्यादा अच्छी, स्पीड ज्यादा है, ये थोड़े थोड़े डिफरेंस की वजह से ये थोड़ा महंगा, जैसे E88 से ये थोड़ा बेटर था थोड़ा थोड़ा करके, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके ये बेटर होगा, क्योंकि ड्रोन्स में और कुछ इतना ज्यादा होता नहीं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आ जाते रिमोट पे, इसका रिमोट भी आपको कुछ कुछ आपके पुराने ड्रोन जैसा दिखेंगे, रिमोट वगैरह सारे मोस्टली सेम ही होंगे, यहाँ पर आप फोन लगा सकते हैं, यहाँ आपका अप एंड डाउन का है सीधा एल्टीट्यूड कंट्रोल, उसके बाद यहाँ से आप कैलिब्रेट, अगर आपका उल्टा सीधा होता है तो यहाँ से कर सकते हैं, वहीं आपका 360 फ्लिप कंट्रोल कैमरा दे रखा है, यहाँ से आपका होल्ड दे रखा है, एल्टीट्यूड होल्ड दे रखा है, स्पीड एडजस्टमेंट दे रखी है यहाँ पर। अगर किसी को भी डाउट होता है ना, तो गाइज इसके अंदर ना मैनुअल होती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैनुअल्स एक बार उड़ाने से पहले पढ़ लिया करो, हर एक के अंदर मैनुअल मिलेगी तो पढ़ो और उसके हिसाब से उड़ाना देखो, नहीं होता है फिर हम उसके लिए एक बार कमेंट कर दो, वीडियो जरूर आएगी कि कैसे उड़ाते हैं ड्रोन, अगर चाहिए वो वीडियो तो, ठीक है। कुछ ऐसा रिमोट रहता है इसका, इसके रिमोट में फंक्शन ज्यादा दे रखे हैं उससे, अच्छा एज कम्पेयर टू, हाँ 88 प्रो, तो वही धीरे धीरे से बजट बढ़ेगा तो रिमोट का प्राइस क्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा ड्रोन देख सकते हैं आपका, उसके साथ सेम आपको फ्री एसेसरीज मिल रही है, यहाँ पर फ्री प्रोपेलर दे रखा है टूट जाए तो, और यहाँ पर एडजस्टमेंट है जिससे थोड़ा लुक और अच्छी हो जाए, अच्छा प्रोपेलर की प्रोटेक्टिव भी दे रखी है, प्रोटेक्टिव है, लुक थोड़ा अच्छी लगती है, मजा आता है, मतलब इसको ओपन रखते हैं, काम करते हैं, अब थोड़े ड्रोन से कंपेयर करेंगे, बिल्कुल, कि कैसी कैसी लुक चेंज होती रहती है, ठीक है। इसको बॉक्स को बंद करते हैं ताकि जगह ना ले, इसको साइड कर देगा यहाँ पर, तो उसका फ्लाइंग का अपना फ्लाइंग टाइम वगैरह सारा चलते हैं बाहर, इसका भी देख लेते हैं गाइज, थोड़ा थोड़ा देखते रहना सबका, ताकि जो पसंद आए आपको देख के आप ले सकें इसको, ठीक है। तो चलते हैं बाहर, बढ़िया उड़ गाइज, देख सकते हो ये है हमारा, बहुत ही जबरदस्त है, मतलब उड़ेगा भी बजट में, डुअल कैमरा वाला जिसको चाहिए और क्वालिटी चाहिए वो ये होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर फ्लाइट टाइम देख सकते हो, वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसका, और अगर बात करोगे क्वालिटी की तो भी अच्छा है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है। 998 प्रो E88 प्रो से क्यों बेटर है? क्योंकि इसका जो भाई फीचर्स वगैरह है ना और क्वालिटी है फ्लाइट की, वो बहुत ज़बरदस्त है। ऊपर देखो कितना ऊपर गया भाई अपने आप, ये देख सकते हैं आप, अब 360 रोटेट, ये देखो आप ज़बरदस्त, ये देखो आप प्रॉपर, ठीक है। अब इसको लैंड करा देते हैं और तो आ गए गाइस हम अंदर, देखा बहुत मजा आ गया देख कर यार, ये भी बढ़िया था, बहुत बढ़िया, खुद उड़ाते उड़ाते मजा आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो अब जैसा कि आपने बताया कि भाई कैसे ऑर्डर करना है, हाँ। सबसे पहले गाइस देखो इतने सारे ड्रोन्स हैं, फुल COD हम लोग नहीं करते ऑफर, कोई भी ट्रस्ट नहीं है, 300 पहले दिन होता है, बचा अमाउंट कैश ऑन डिलीवरी होता है, अच्छा तो 300 एक्स्ट्रा होता है, क्या होता है ये? उसी में से कटता है, जैसे आपने 1000 रुपए का कुछ भी ऑर्डर करा, ठीक है उसमें से 300 पहले और 700 रुपए कैश ऑन, अच्छा मतलब उसमें से ही कट जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, हाँ उसी में से कटे। सेकंड चीज, फास्टर प्रोसेस कराना
है, वेबसाइट दिख रही होगी www.astextro.in, वहां से ऑर्डर करो एज कम्पेयर टू मैनुअल, उससे जल्दी ऑर्डर हो जाए। वॉचेस, बर्ड्स, ड्रोन्स वेबसाइट से करो, जल्दी प्रोसेस होगा। उसके बाद थर्ड चीज, स्टोर पे विजिट करना, स्टोर पे ले जाओ जाके, ठीक है। मोती नगर और पटेल नगर दोनों में स्टोर है, पर भाई प्लीज ट्रस्ट इशू है तो देखो चैनल कितना बड़ा है हमारा, 4 चैनल्स है, देखो कितनी अनबॉक्सिंग वीडियो डलती है, ये मत बोला करो कि फ्रॉड वगैरह हुआ, बेफिक्र होकर आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा हम H15 पे, H15 2000 से लेके 3000 वाले ड्रोन, ओके, वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है H15, बहुत इसकी कैमरा क्वालिटी इन सब की बोल सकते हो उससे टॉप होने वाली है। अच्छा, इनसे जो अभी बहुत अच्छे ड्रोन है, ओके, इसकी क्वालिटी मेरे को खुद मजा आता है उड़ाना, मेरे को खुद आया था बॉक्स पैक। एच सीरीज एक तरीके से ना वॉच की एच के है ना, वैसी ये एच ड्रोन में एच सीरीज क्वालिटी है। 4K HD दे रखा है बट नहीं है, डिसेंट क्वालिटी मिलेगी, सेम डिसेंट क्वालिटी मिलेगी, फोल्डिंग बॉडी, लॉन्ग बैटरी लाइफ, इसका फ्लाइट टाइम अच्छा है, 15 मिनट्स की नियरली दे देता है, 360 रोटेट ये भी मारता है, एयर प्रेशर फिक्स हाई, वही सेम आपका 9 प्रो वाले फीचर्स हैं, ओके, क्वालिटी इसकी इंप्रूव्ड है, इस वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव, ठीक है। अब क्वालिटी देखना, लुक देखना, आपको खुद मजा आएगा कि हाँ सर इतनी बढ़िया क्वालिटी आपने प्रोवाइड करी है बजट में। ये देखो आप सबसे पहले, वाओ, बहुत मेरे को फेवरेट, मतलब मेरे को खुद बहुत प्यारा लगा था भाई ये ड्रोन जब आया था ना और उड़ाया था मैंने, इतना एल्टीट्यूड कंट्रोल है ना इसका, मैं शॉप पे उड़ा सकता हूँ इसको इतने कम स्पेस में, रियली हाँ बहुत ही प्यारा ड्रोन है, ठीक है। अभी शायद इसकी बैटरी ना हो, चलो है, ठीक है, बैटरी है। यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टमेंट कैमरा बोलते हैं दे रखा है, कभी वर्क कर जाता है कभी नहीं करता, बट हाँ करता है वर्क, करता है रिमोट से कर जाता है, ठीक है, अंदर क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखे तो है। डुअल कैमरा सेम, सारे ड्रोन्स भाई बार बार नहीं बोलूं, सारे ड्रोन्स डुअल कैमरा रहेंगे, रिमोट कंट्रोल रहेंगे, ऐप से कनेक्ट वाले रहेंगे, ओके, बजट वाले हो चाहे महंगे हो, कोई भी हो, ठीक है। E88 Pro, E88 सारे रहेंगे, तो आप जो उड़ा रहे हो उसकी वीडियो कैप्चर करनी है, ऐप डाउनलोड करो, कनेक्ट करो, डाउनलोड करो, आपकी क्या बात है। इसकी क्वालिटी डिसेंट है, अच्छी है इन दोनों से, उन दोनों से, ठीक है। डुअल कैमरा दोनों है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कुछ ऐसी लुक आती है ड्रोन की, आप देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ वेट इसका अच्छा है, मोटर की क्वालिटी अच्छी है, साइलेंट है एज कम्पेरेटिवली उन दोनों से, ओके। उसके बाद जो फ्लाइट टाइम है वो बहुत अच्छा, और स्पीड बहुत जबरदस्त, स्पीड अच्छी है, बहुत अच्छा यार ये ड्रोन, बजट में बहुत प्यार है, 100 to 2000 3000 ये बेस्ट है, मतलब आप बोल सकते हैं। लुक इसको कंपेयर करना है, बड़ा भी अगर आप ध्यान से देखोगे, बिल्कुल बिल्कुल लुक ही अलग है, मतलब ये देख सकते हो आप बड़ा है इसलिए थोड़ा बोल, ठीक है, तो आप खुद ध्यान से देख सकते हो इतना डिफरेंस आ जाता है ड्रोन में। तो वैसे इसे प्राइस बढ़ेगा भाई, अब ऑटोमेटिकली चीज भी होगी ना, ये बजट वाला है, ये 2000 से 3000 रेंज में आ गया, तो इस वजह से महंगा तो ऑटोमेटिकली होना ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा H15, इसको भी रखते हैं क्योंकि हमें दिखाना जरूरी है, हमारा करना है ड्रोन में, बस रिमोट्स में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको रख देते हैं H, क्योंकि मिक्स ना हो, रिमोट बहुत इनके ऐसे लगते हैं सेम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यही सेम लुक जो है सेम है आपका, यहाँ पर आप अपना स्मार्टफोन लगा के ऐप से कनेक्ट करके देख सकते हैं, ऑन एंड ऑफ का है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है अपना ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का, बट वर्क नहीं करता, अच्छा इसमें नहीं करता, सिर्फ एक ही वो उसमें करता है, वो आगे हम बताएंगे किसमें करता है, लिफ्ट एंड लिफ्ट अप, ये आपका कैलिब्रेशन कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद 360 फ्लिप स्पीड, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट कैमरा, अच्छा कभी करता है कभी नहीं करता, बट हाँ ठीक है, उसके बाद 360 फ्लिप वाला, ओके, सारी फंक्शंस दे रखे हैं, बट वही जैसे जैसे फीचर्स बढ़ेंगे पैसे बढ़ेंगे वैसे रिमोट में बटन्स भी एक ऑटोमेटिकली फीचर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसकी है H15, ओके। बजट में जिसको जाना है अंडर 2000 3000, पैसे नहीं है, स्टार्ट करे हो, कैमरा डिसेंट चाहिए, जबरदस्त स्पीड वाला चाहिए, कंट्रोल ज्यादा अच्छा चाहिए, इससे बेटर ड्रोन कोई नहीं है, ओके, H15 से बड़ा कोई है नहीं, से बड़ा कोई, तो इसको रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसका फ्लाइंग फिर फ्लाइंग वगैरह, हाँ सॉरी इसका भी चलते हैं, सही कह रहे हो, तो इसका भी बना रखा है, चलो चलते हैं बाहर और देखते हैं H15 का कैसा होने वाला है। ये H15 देख सकते हो कितना स्टेबल ड्रोन है, बहुत जबरदस्त है, एच सीरीज का पहला ड्रोन है, जिसको भी चाहिए बजट में उसके लिए सबसे बेस्ट बजट वाला ड्रोन रहने वाला है। प्राइस भी इसका काफ़ी कम होता है और बहुत ही ज़बरदस्त है, डुअल कैमरा के साथ आता है, और पूरा अगर 360 इसका व्यू दिखाऊं तो मैं घुमा देता हूं, ये देखो आप प्रॉपर, ठीक है, स्टेबल रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, कोई भी ऐसा इशू नहीं। अगर स्पीड की बात करोगे तो ऊपर पूरा जाता है, नीचे ले आएंगे तो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब ये देख सकते हो, ठीक है। और ये ठीक है, अब ऊपर करते हैं, ठीक है, पीछे लेके आते हैं, ये देखना आप खुद, स्पीड बहुत अच्छी है, एडजस्टमेंट वगैरह सब बहुत ईजिली हो रहा है, स्टेबल देखना, कोई भी मैंने रिमोट पे नहीं पकड़ा, और एक जगह अपनी जगह पे नहीं लेगा, बहुत ज़बरदस्त ड्रोन है। कैमरा क्वालिटी में सीरीज आपको पता ही है, ठीक है। तो अब इसकी लैंड करा देते हैं और देखते हैं दूसरे ड्रोन्स की तरफ, लैंडिंग भी देखना कितनी स्मूथ होगी इसकी, ये हो गया। तो गाइस कैसा लगा H15 का, ये भी मज़ा आया ना, ठीक है, हाँ ये बहुत ज़बरदस्त, बजट में
जिसको चाहिए भाई ज्यादा स्टेबल और अच्छा ड्रोन बजट में नहीं है। बिल्कुल सही। अब इसको रख देते हैं, जैसा मैंने बताया ना वॉचेस की एचके है, वैसे ही ड्रोन्स के एचके। अब H15 हो गया, अब आ जाते हैं बहुत जबरदस्त ड्रोन, मेरा वन ऑफ द फेवरेट बोल सकते हैं H16। इसके तो बहुत चर्चा सुनी है, बहुत यार इसका तो आप लोगों ने धमाका मचा दिया। H16 ड्रोन रहेगा, HD कैमरा रहेगा, चलो उन्होंने कम से कम HD लिखा है, 4K नहीं लिखेगा, दूसरों की तरह 4K लिख देते हैं। ऐप कंट्रोल सेम ऐप से कनेक्ट होगा, फोल्डिंग बॉडी है, ब्रशलेस मोटर है। क्या होती है ब्रशलेस मोटर, लास्ट वीडियो में बताया था, DJI ड्रोन्स वाली क्वालिटी वाली ब्रास मोटर या कॉपर मोटर बोल सकते हैं वाली क्वालिटी। ठीक है, 360 फ्लिप अच्छा मारता, एयर प्रेशर फिक्स वही से, क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है, इसके अपग्रेडेड वर्जन है। लुक एंड फील सेम है दोनों की, ओनली द थिंग इज ब्रशलेस, ओनली ब्रशलेस मोटर है ये। ये देखो वाह यार, इसको तो रिमोट भी टेक्सचर कुछ अलग ही है, अलग सा है भाई। तो इसमें जो आप कॉपर बता रहे हो वो कहां पर है? ये देखो ध्यान से, ये अच्छा, ये जो अंदर है स्टोर जो कहेगा भाई वो कहेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि बोल दिया कुछ और हुआ कुछ और। एस्टेक स्टोर पे जो मिलेगा क्वालिटी देख लो, ब्रशलेस मोटर्स, ठीक है, H16 ब्रशलेस लिखा हुआ, LEDs ब्लिंक, यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है इसकी बॉडी लुक अच्छी है, बहुत अच्छी लुक, ठीक है। उसके बाद डुअल कैमरा सेम डुअल बैटरी यहाँ से निकलती है, ठीक है, कुछ ऐसा रहता है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि लाइट खत्म ना हो, मैं बाहर भी तो जाना है ना, बैटरी खत्म ना हो, सॉरी, ठीक है। फ्लाइट टाइम देखना, ड्रोन के रिमोट की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसा रिमोट रहता है, टेक्सचर वाला है, हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया है इसका तो, ऐसे खुलता है यहाँ पर, इसमें लग जा, अच्छा इसमें फोन लगा सकते हैं। अब ये ऐसे हो गया हमारा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लाइट टेक एंड ऑफ लैंडिंग, उसके बाद कैलिब्रेशन, और इसमें हेडलेस मोड भी। हेडलेस मोड क्या होता है, अगर आप बहुत बड़े पार्क में हो, स्ट्रेट आपका ड्रोन है, हेडलेस मोड ऑन कर दो सीधा जाता रहेगा, ओके, बट आपको छेड़ना नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, अच्छे से वो कभी कभार करता है, वही वाली बात है गाइस, बजट है तो 100% वर्किंग कुछ भी चीज नहीं मिली, बट हाँ एक चीज बोल सकते हो कि अच्छे से टेक ऑफ वगैरह उड़ेगा, बट ये जो फीचर्स है ना, ये जैसे आपका हेडलेस मोड हो गया, एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कैमरा हो गया, बजट की बात करें तो उस हिसाब से वो वाली चीज आता है, उस हिसाब से बग भी आता है वो। फीचर्स भी तो कितने इसमें, ब्रशलेस मोटर है, कॉपर वाली दे रखी है भाई, इतने कम बजट में, बजट में बिल्कुल सही। तो ये देखो आप, ठीक है, उसके बाद वही इसका इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट कैमरा, हेडलेस मोड आ जाता है, टेक ऑन एंड ऑफ 360 फ्लिप मारेगा, उसके बाद वही स्पीड एडजस्टमेंट दे रखी है यहाँ पर, कैमरा अप एंड डाउन है, अच्छा मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर वही लगा हुआ है, यहाँ पर आपका सेम, बट इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट कैमरा पे भाई वो मत करना कि 100% वर्क करेगा, मैं जैसा बता रहा हूँ आपको वीडियो में क्लियरली, मतलब 19-20 रहता है, 19-20 भी नहीं, कभी करेगा कभी नहीं करता, तो इट्स बेटर कि आप एडजस्ट कर लो, कैमरा जो ऐप में उसमें कभी बार ढंग से कर जाता है, ऐप से कर, तो वो फिर भी बेटर होगा, ठीक है, बट क्वालिटी बहुत जबरदस्त। चलते हैं बाहर देखते हैं H16 की। तो ये है गाइस H16 ड्रोन, स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त है, साइलेंट देख सकते हो कितना ज्यादा साइलेंट है, ये है ब्रशलेस मोटर का कमाल, जो हमारी कॉपर मोटर है ना उसका कमाल है, आप देख सकते हो कितना ज्यादा जबरदस्त है, साइलेंट तोड़ ही रहा है, उसके बाद क्वालिटी ऑफ मूविंग देखो कितनी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त ड्रोन है, बट हमारा जो है ना बिगिनर्स के लिए, उनके लिए अभी भी मैं कहूँगा S63 बेटर, सबसे बेस्ट वो रहेगा, क्योंकि भाई ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस है, फीचर्स बहुत है, कैमरा उसका ज़्यादा थोड़ा सा माइनर इससे ज़्यादा अच्छा है, बट वैसे ड्रोन दोनों बहुत अच्छे, एच सीरीज का H15, H63, H16 तीनों ड्रोन्स बहुत प्यारे होने वाले हैं, तीनों में अपनी अपनी एक एबिलिटी दे रखी है लोगों ने कि हाँ ये वाला खरीदना तो ये वाला खरीदो, स्मूथनेस अच्छी है इसकी भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर। तो गाइस आ गए कैसा भाई, अरे यार कितना स्टेबल ड्रोन है ये, बहुत मतलब बजट में इससे जबरदस्त ड्रोन, मेरा सेकंड फेवरेट है, बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है, मक्खन की तरह चलता, अब फर्स्ट फेवरेट में दिखाऊंगा अभी। इसमें गाइस देखो, इसके लिए ना वो है ड्रोन उनके लिए जो कि ड्रोन उड़ाना सीख चुके हैं, अच्छा मतलब प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए क्वालिटी मिलेगी, स्टेबल मिलेगा, अच्छा है, फ्लाइट टाइम अच्छा है, इसका फ्लाइट टाइम नियरली 20 मिनट्स भी टच करता है, 20 मिनट्स, हाँ क्या बात है, ठीक है, अच्छे से टच करता है, बट अगर अच्छे से इसको धड़न से उड़ाओ, ज्यादा स्पीड ना करो, मतलब एडजस्टमेंट करके कर जाता है, अच्छा अच्छा। LEDs भी हैं, ये भी ऑफ कर देंगे, 10-12 चीजें होती है जिसको आप करके कंट्रोल करोगे तो हो जाएगा, थोड़ी कम होगी, हाँ, बट क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, साइलेंट बहुत है, कैमरा क्वालिटी H15 से 19-20 अच्छी मिलेगी, उसके बाद फास्ट बहुत है, ठीक है। तो ये था हमारा H16, अब डिफरेंस इन क्वालिटी देख सकते हो यहाँ पर, ये इतना बड़ा ड्रोन है ब्रशलेस के साथ, ठीक है, साइज 15 और 16 का तो देखो सेम साइज लग रहा है मुझे, हाँ सेम क्वालिटी, बट थोड़ा आपको मिलेगी क्वालिटी बढ़िया है, हाँ बिल्कुल, इसमें ब्रशलेस आ गया ना अपना। तो अब यहाँ पर हमारा था 3000 से 4000 में आ गया, ठीक है, तो ये है हमारा ब्रशलेस ड्रोन। अब इसको हम इसके कैमरे को भाई इसके रिमोट को हम यहाँ रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो ना मिक्स हो, हम लोग परेशान होंगे वीडियो बनाने के बाद, करते हैं बंद,
जब भी आपके लिए वीडियो लेके आए टॉप 5 ड्रोन्स एज पर द प्राइस रेंज चलेंगे। बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अभी के लिए इनसे बेटर ड्रोन्स नहीं है। H15 हमने यहाँ रख दिया, H16 सॉरी। अब आ जाते हैं मेरा फेवरेट ड्रोन भाई, H63। हाँ, तो अब सोचो इसमें फीचर्स। यही एक ऐसा ड्रोन है बजट में जिसमें आपका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस वर्क करता है। ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मतलब बताऊंगा भाई, पहले ये देखो फीचर्स इसके ड्रोन के। H63 ड्रोन का नाम रहे, लुक बहुत ही अलग सी लगती है, अलग ही लग रहा है। तो अवॉइड ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस वर्किंग है इसमें, वर्किंग है प्रॉपर। ऑप्टिकल फ्लो पॉइंट एक जगह रहता है, इलेक्ट्रिकल ट्यूनिंग लेंस इन्होंने दे रखा है, तो शायद इसका उससे ज्यादा अच्छा है। हाँ, एज कम्पेयर टू मैंने जब चलाया था उससे ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा था, बट वही थोड़ा रहता है। एचडी कैमरा है, ऐप कंट्रोल सेम, फोल्डिंग बॉडी है, लॉन्ग बैटरी लाइफ उससे ज्यादा अच्छी बैटरी है इसकी। रिसीवली बहुत प्यारा मारता है, एयर प्रेशर फ्लो सेम हुई आपका, बहुत जबरदस्त ड्रोन है। अब बात करते हैं ड्रोन की भाई, अंत ड्रोन है। तो मतलब जो आप बता रहे हो ऑब्स्टिकल, मतलब वो क्या चीज है अपना भाई? देखो okay, अब जो कि न्यू कमर्स है ना, मतलब जो अभी सीख रहे हैं लर्निंग के लिए, पहले ड्रोन की लुक देखो। वाह यार कितना अलग सा है, बहुत ना? ही अलग है, यूनिक ड्रोन है थोड़ा। इसका तो बॉडी थोड़ी अलग सी लग रही है, बहुत ही अलग सी लग रही है, फेस ही कितना अलग सा है, बहुत लुकिंग अलग है इसकी तो। और अब मेरे को भी जब मैंने शुरू में लिया मेरे को लगा कि लाइट है, बड़े ध्यान से देखो लाइट नहीं है भाई। देखो 1, 2, 3, 4 ये क्या है पता है? क्या चीज है? सेंसर्स हैं। सेंसर मतलब कि अगर जो भी नया बंदा सीख रहा है, देखो अब ड्रोन आपने पहली बार लिया बिल्कुल, क्रैश होएगा तो ड्रोन में डैमेज हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इतनी ऊपर उड़ रहा है, आपको कंट्रोल नहीं करना, इससे टकरा गया, डैमेज गिरेगा, डैमेज हो सकता है। इसमें क्या है, अपने आप इधर हो जाएगा, मतलब अपने आप अगर बाय चांस उड़ाते उड़ाते आप इसको इधर ले गए ना, अपने आप इधर हो जाएगा। अभी बाहर चल के दिखाऊंगा भाई आपको क्लियरली, तो ये इतने अच्छे से वर्क करता है, ठुकेगा ही एक तरीके से, जितना हो सके अपने आपको ठुकने से बचाएगा। चारों तरफ सेंसर है इसके, मतलब रिपेल मारेगा। हाँ, इसलिए मेरा फेवरेट है। तो आप जो न्यू कमर्स है ना, जिनको नहीं आता उड़ाना, लर्निंग पर्पस के लिए बेस्ट रूम, तो इसलिए मेरा फेवरेट भी है। मैंने उड़ाना जब सीखा था इसी से ही सीखा था, क्योंकि भाई ठुकने का डर ही खत्म कर देता था। फ्लाइट H16 सबसे बेस्ट है अभी तक की, मोटर साइलेंट नहीं होगी इतनी जितनी H16 की, क्योंकि ब्रशलेस है वो ऑटोमेटिकली, पर इसमें फीचर्स इतने ज्यादा मिल जाते हैं। इसका रिमोट आप खुद ही देख लो कितना हुआ है। इसका ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस बटन ये रहा, काम करता है। उसके बाद यहाँ पर ट्यूनिंग एडजस्टमेंट है इसके लेंस की, स्पीड एडजस्टमेंट अच्छे से वर्क करती है, 360 फ्लिप बहुत प्यारा मारता है, वही सेम आपका ये है। उसके बाद यहाँ से लगाने का, अपना फोन लगाने का ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपका फोन लग जाएगा। उसके बाद क्वालिटी भाई बहुत जबरदस्त, मतलब ड्रोन की क्वालिटी मैंने खुद उड़ा के देखी, अब आपको भी दिखाता हूँ, बट कुछ ऐसी लुक आती है, अब ध्यान से देख लीजिए जिसको देखना है भाई, ऐसी कुछ लुक आएगी, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर सारी तरफ सेंसर्स हैं, दो कैमरा है, बैटरी है जिसको निकाल के आपको चार्ज करना हो, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं एंड, बंद कर दिया। फ्लाइंग वगैरह चलते हैं बाहर, जब भी मैंने बंद करा देखते हैं H63 का भी फ्लाइंग वगैरह, ठीक है। तो ये गाइज H63 ड्रोन देख सकते हो, स्टेबल बहुत ज़्यादा है। एच सीरीज़ के सारे स्टेबल ड्रोन्स होते हैं आपको पता ही है, डुअल कैमरा इसमें भी है, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस पहला ऐसा ड्रोन है सिर्फ ये जो कि बजट में ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के साथ आता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्टेबल है, देखो आप खुद देख लो, रिमोट एकदम छोड़ रखा है अपनी जगह पर रहेगा, बहुत ज़बरदस्त ड्रोन है, ठीक है। फ्लाइट टाइम इसका सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे बड़ा मॉडल है। H63 ऊपर बोलोगे प्रॉपर ऊपर देख सकते हो कितनी ऊपर गया, ठीक है, नीचे बोलेंगे तो प्रॉपर देखा अपनी जगह पर रहेगा। अब आपको देखो फीचर्स देखो, पूरा आगे जाता है, पीछे पूरा फास्ट रहता है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई इशू इसमें आ सकता है, ठीक है। H63 और जो भी अपना न्यू कमर्स होते हैं ना, जिनको होता है कि यार मैं पहली बार ड्रोन उड़ाना सीख रहा हूँ तो कुछ इशू तो नहीं आएगा, तो उनके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी नीचे देख सकते हो आप खुद इसका ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस लगा, देखो खुद गया जितना होता है इसका, अपने आप ये पीछे हट जाता है जहाँ से आप उसको बुलाओगे, बीप करेगा और खुद देखना पे। ये देखो जैसे ये है इसको जहाँ पता चलेगा, ये देखो खुद पीछे हुआ है, कुछ नहीं करना पड़ता आपको। ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भाई, जो भी नए न्यू कमर्स है ना जिनको चाहिए कि ड्रोन अपना, ये देखो खुद गया अपना आगे, ये होता है। जिन लोगों को चाहिए ना कि भाई मैं पहली बार ड्रोन उड़ा रहा हूँ, मुझे नहीं आता, टूट ना जाए, बच्चे के लिए लेना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। देखो अब खुद दोबारा दिखाता हूँ आपको, मैं दोबारा देखना, ठीक है। अब अपना आगे लेके आते हैं, ये देखिएगा, ये देखिए, ये देखो खुद गया, खुद अपना आगे जाता है, ये चीज़ बहुत अच्छी है इसकी ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस की। तो जो भी नया बंदा सीख रहा है ड्रोन, स्टेबल है, डुअल कैमरा है, सबसे ज़्यादा क्लियर कैमरा इसका रहता है, रेंज बहुत अच्छी है और फ्लाइट टाइम इसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो गाइस आगे हैं हम अंदर, ठीक है ना, ऑप्टिकल अवॉइडेंस बड़ा ही लाजवाब है इसका, मतलब लर्निंग पर्पस अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, बहुत जबरदस्त बढ़िया, स्टेबिलिटी अच्छी है, पावर बहुत है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। उसके बाद अब इसको रखते हैं अंदर कि ये भी कंफ्यूजन ना हो, अपना साइज की बात करेंगे तो सिमिलर ही है साइज, ठीक है, साइज हाँ लुक अलग है,
साइज सिमिलर है, इससे कंपेयर करोगे तो वही ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ा है, तो अपना बजट अलग से बढ़ेगा ही अपना, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गया H63 ड्रोन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे ड्रोन एक पैक्ड पड़ा है, और यहाँ पर आपके सामने ड्रोन है हमारे। अब आ जाते हैं भाई बहुत यूनिक ड्रोन की बात कर, यूनिक ड्रोन तो क्या लाया यूनिक में? यूनिक में भाई बहुत प्यारा ड्रोन है ये, क्या चीज है, UFO वाला ड्रोन है और बहुत प्यारा है। मतलब जब ये आया था ना, मैं तो खुद हैरान था, गजब ड्रोन भी हो सकता है। ओके, इसमें आपका मिनी ड्रोन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। HD कैमरा रहेगा, 38 LED है, थ्री स्पीड कंट्रोल अच्छे से इसका वर्क करता है, उसमें मोबाइल कंट्रोल सेम वही है, आपका मोबाइल से भी एडजस्ट हो जाता है, ऑप्टिकल व्यू पॉइंट, रिमोट बिल्ट इन। अब देखना क्वालिटी ऑफ ड्रोन बहुत अच्छी है यार, ये देखना इसको, तो मेरे को पैकेजिंग काफी बढ़िया लग रही है बहुत यार, ये देखो ड्रोन का है भाई, ये ले रहे हो, ये देखो अब आप, फिर ये क्या चीज है, यही तो जबरदस्त है कि लोगों को होता है ना कि यार रिमोट, अगर जैसे आपको बैग नहीं लेके जाना, बस एक रिमोट ले जाओ, अरे यार ड्रोन उसी में अंदर से ले जाओ बस। अब इसके अंदर भाई 38 LEDs है, 38 ये देखो, इसका चलना ही बढ़िया खतरनाक, स्टेबिलिटी में इतनी टक्कर देता है कि H16 को भी एक प्लस ऊपर जाएगा, इतना स्टेबल, हाँ इतना ज्यादा स्टेबल है, बहुत स्टेबल और बहुत ही प्यारा ड्रोन है, छोटा है बट इतना पावरफुल है ना कि अच्छे से टक्कर दे सकता है बड़े ड्रोन को, ठीक है। साइज नहीं, पावर पे जाना चाहिए ना, एक वही चीज है ड्रोन की, मोटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बड़ा धमाका, बड़ा ही नहीं बाप धमाका है। उसके बाद ड्रोन में जो फीचर्स है बहुत जबरदस्त है, अंदर से वही एडजस्टमेंट वाला है, 360 फ्लिप बहुत प्यारी मारता है, अप एंड डाउन स्पीड एडजस्टमेंट, लाइट है देखो अब आप इसमें ऑन, अच्छा बैटरी नहीं है okay, तो अगर बाई चांस जिस बंदे को भाई, वैसे इसका 10-15 मिनट फ्लाइट टाइम है इसका, ठीक है, जिसको और बढ़ानी है अपनी फ्लाइट टाइम, लाइट यहाँ से बंद हो जाती है, बंद हो जाएगी और बैटरी इंक्रीज हो जाएगी, okay, तो 20 मिनट तक भी जाता है। उसके बाद इसके बाद एल्टीट्यूड कंट्रोल है, यहाँ पर कैलिब्रेशन कंट्रोल कर सकते हो, तो ये ड्रोन है, क्वालिटी देख सकते हो कुछ ऐसा है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत प्यारा लगता है जब, तो उसकी जो LED वगैरह वो भी हम चेंज कर सकते हैं, पूरा चेंज होती रहती है भाई जब उड़ता है, बाहर चल के दिखाता हूँ आप खुद देख लो, ठीक है चलते हैं। तो गाइज ये है हमारा ATS-01, देख सकते हो सबसे ज़्यादा स्टेबल ड्रोन है, जो बोलते हैं ना भाई स्टेबिलिटी के इशू में कुछ नहीं है, कैमरा आप हो रहे 360 घुमा दिया और एक जगह से नहीं हिला, इससे ज़्यादा स्टेबल ड्रोन कोई भी नहीं है। और लुक देख लो, LED देख लो कितना ज़बरदस्त लगता है, ठीक है। और जिसको भाई LED का वो होता है कि भाई अगर बैटरी कंज्यूमिंग कम करानी है तो LED बंद कर दो, वरना LEDs ऑन कर दो, आपकी मर्जी। और क्वालिटी पूरा देख सकते हो, ऐसा लगेगा कि UFO उड़ रहा है पूरा। और ये देखो, मतलब जितना जो करना है करो, पूरा स्टेबल, और ये देखो एकदम झटका मारता है, बहुत ज़बरदस्त ड्रोन रहता है, मेरा तो मतलब फेवरेट ड्रोन रहेगा भाई, ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और गाइस कैसा लगा था ना, स्टेबिलिटी तो बहुत ही जबरदस्त है, और उड़ते हुए कितना अलग लग रहा था ना, मतलब आई कैचिंग, अगर रात में तो UFO ही लगेगा, हाँ, और आई कैचिंग है, इतना ऐसा लगेगा दूर से बंदा खुद पूछता है, हम ही उड़ा रहे थे, हमारी बार कितनी बार आ गए थे, भैया ये क्या उड़ा रहे हो, हाँ कि ये क्या उड़ा रहे, तो अच्छा ड्रोन है भाई, सीरियसली बहुत प्यारा, ठीक है। तो इसका साइज देखोगे तो छोटा है बट पावरफुल, सीरियसली आपने वीडियो में देख लिया, पावरफुल तो बहुत है, बहुत है, पैकेट बड़ा धमाका है, बहुत जबरदस्त है, लाजवाब, फीचर्स बहुत दे रखे हैं लोगों ने, इसका कैमरा क्वालिटी भी डिसेंट है, अच्छी है, आप कह सकोगे। यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर रख देते हैं इसको भी, ठीक है। इसके साथ भी आपको फ्री, सबके साथ फ्री मिलेगा भाई, ये देखो ना सबके साथ है, सब ड्रोन से फ्री एक्सेसरी मिलेगी, प्रोपेलर फ्री मिलेगा, स्क्रू ड्राइवर मिलेगा कि कुछ टूटे तो आप चेंज कर सकते हो, ये चेंज करने का ये भी दे रखा है। और जो इसमें ये दे रखा है, ये क्या चीज है अपना, ये अपना वही फोन अटकाने का, फोन लगाने के लिए, हाँ तो फोन अपना होल्डर है, इसको यहाँ आपने एडजस्ट करना और फोन लग जाएगा, सेम सारी चीजें भाई आपको ड्रोन के, और वही सेम बॉक्स पैकेजिंग मिली रही है, और प्रीमियम है, थोड़ा हैवी है एज कम्पेयर टू, लग रही है पैकेजिंग, मजा। तो ये हमारा मिनी ड्रोन हो गया ATS-01। अब हमारा इस टाइम हम चल रहे हैं 3000 से 4000 की कैटेगरी में, फिर पार्ट टू में देखेंगे क्या आएगा, बट अभी के लिए अब ये है भाई हमारा DJI का ड्रोन आता है कोई इंस्पायर 2 करके, 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख का, हाँ उसकी सेम लुक है ये वाली, हाँ सबसे पहले देखो ये क्या चीज है, कीड़ा, मतलब कीड़ा मकोड़ा सा लगता है, ड्रोन बोलते हैं। अच्छा। फीचर्स ऑप्टिकल फ्लो पॉइंट है, ओके, एडजस्टेबल लेंस और बहुत बड़ा लेंस देखना आप इसका, एरियल व्यू है, एरियल व्यू का मतलब उड़ते हुए अलग सा कैसा व्यू आता है वो देखने को मिलेगा, हेडलेस मोड इसमें भी है, जेस्चर वाला कि आप ऐसे करोगे फोटो क्लिक हो जाएगी, इसको तो लुकी पैकेजिंग देखना आप भाई, देखते हैं इसकी भी थोड़ी प्रीमियम है ड्रोन, ये भी बहुत अच्छा, अरे सही में तो एंट है ना, एंट ड्रोन बोलते हैं हम लोग इसको, इसका लुक अच्छी आ रही है, ये देखो, हाँ लुक देखो कितना प्यारा है, ये देखो सबसे पहले यहाँ से, अच्छा ये है वो, हाँ इसका बड़ा कैमरा इसका अलग से और प्रॉपर ऐसा है भाई, मतलब लुक देखो इंस्पायर टू 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का, बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसी लुक है, बस वो बहुत बड़ा है, 2.5 लाख 3-4 हजार कहाँ,
पर क्वालिटी बहुत जबरदस्त है इसका भी देखना, कुछ ऐसी लोग देगा, लुकिंग ही काफी यूनिक है। यहाँ पर कैमरा तक का सबसे यूनिक ड्रोन है, सबसे यूनिक है। और यहाँ पर दो कैमरा, उसमें भी सब में डुअल कैमरा, अच्छा सब में ही अपने, बैटरी और ऐसे बैटरी निकलती है इसकी, इसका बैटरी से ज्यादा लुक आ रहा है, ऑरेंज कलर की है ना, ऑरेंज कलर है, कुछ लुकिया अलग दे रहा है। देखो एंड्रोन बोलता हूँ मैं इसको, एंड्रोन बहुत प्यारा है भाई। तो मॉडल क्या है अपना, ये मॉडल ये अपना XD01 ATS01, सारे ड्रोन्स की कैटेगरी में मिल जाएगी। वेबसाइट पे देख लेना www.astechstore.in हमारा, वहीं पर ही देखना सब प्रॉपर आपको मिल जाएगा। ठीक है ड्रोन्स के, बहुत है ना जबरदस्त, खुद ही देख सकते हो आप यार कितना प्यारा लुक यार, इतनी यूनिक अलग सी लुक है इसकी काफी। ठीक है मैं रिमोट दिखाता हूं, इसका रिमोट मेरे को इसका सबसे तगड़ा लगता है, छोटा सा ड्रोन रिमोट है। और ये देखो कैसे खुलता है, इसमें सीक्रेट बटन नहीं होते ऑन करने का, ये तो हिला रहा बूम बूम, जैसे ऐसे बंद करके सीक्रेट, ये देखो बिल्कुल यार, और बहुत जबरदस्त है अप एंड डाउन। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, हर ड्रोन में कैलिब्रेशन किसी की अलग अलग होती है, बिल्कुल कैलिब्रेशन नहीं करोगे। बहुत सारे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि ड्रोन लेफ्ट लाइट राइट ज्यादा जा रहा होता है, okay, तो आप लोगों ने हाँ एक साइड जा रहा है तो कैलिब्रेट नहीं करा होता है। जब मैं कहता हूँ तो मैनुअल पढ़ लेना या नीचे कमेंट करना, एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे हम लोग कि कैसे ड्रोन्स को फ्लाइट करते हैं अच्छे से। अभी के लिए कैलिब्रेशन सब में किसी में यू दोनों दबा के होती है, किसी में यू होती है, हर एक में अलग अलग होती है, सबका अपना अलग ही साथ। मैनुअल में पढ़ लेना, इसमें सिर्फ ये बटन दबाना कैलिब्रेट होगा, एक बटन से, एक बटन से सिर्फ। यार क्या चीज है, ये चीज अच्छी है। उसके बाद अप एंड डाउन है, इसमें हेडलेस मोड है, फ्लाइट अप एंड डाउन है, स्पीड एडजस्टमेंट है, 360 फ्लिप है। वाह यार, बस 360 फ्लिप मारता है ये, 360 फ्लिप। मैं भी देखना चाहता हूं यार वीडियो में। चलो चलते हैं बाहर, चलते हैं फिर। तो गाइस ये हमारा XD01 सबसे ज्यादा स्टेबल ड्रोन, और मतलब हर एक में मैं इसलिए क्यों कहता हूँ स्टेबल ड्रोन कि भाई सारे ही इतने स्टेबल है, कोई भी देख सकते हो आप। ठीक है एक जगह टिका हुआ, हमने 360 घुमा दिया इसका, इसका लुक देखो, फ्रंट वगैरह सारे ही बहुत जबरदस्त है, ये देखो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है उसके बाद फीचर्स की बात करोगे ना तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट ड्रोन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी मोटर इतनी ज़्यादा पावरफुल है और इसका साइज़ इतना कम है, तो उस हिसाब से ये फास्ट भी बहुत है। ये देख सकते हो आप गरुड़ा वाला जो हमारा आएगा भाई, उससे ज़्यादा फास्ट और पावरफुल रहेगा ये, इसी वजह से। ऊपर मैं चाहूँ तो इसको कितना ऊपर, ये देख सकते हो आप कितना प्यारा ड्रोन है ये, अपने आप एक जगह रहेगा ये, आप खुद देख सकते हो कितना एक जगह स्टेबल रहेगा ये। ठीक है इसको नीचे लाना चाहेंगे तो हम नीचे आ जाएगा ये ड्रोन। उसके बाद अगर हम इसको 360 फ्लिप मराएंगे तो ये देखो आप, ये देखो आप इस पर, तो ये देख सकते हो गाइस बहुत ज़बरदस्त 360 फ्लिप। दोबारा कराते हैं, ये देखना, ये देखो अपना DJI का इतना महंगे वाला है, उस जैसी लुक मिलती है, मतलब आपको A to Z सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं इसकी। तो गाइस था ना बढ़िया, अरे यार 360 फ्लिप मार रहा था ये, और छोटा सा है ये, कितना गजब लग रहा था, बहुत लाजवाब, पावर भी बहुत तगड़ी देखा होगा आपने सच में, और उड़ते हुए कितना यूनिक, स्टेबल भी काफी है ये, बहुत बहुत, तो वन ऑफ द फेवरेट ड्रोन बोल सकते हो। दोनों ड्रोन्स बहुत अच्छे, जिनको चाहिए ना भाई यूनिक लुक, यूनिक लुक और मिनी ड्रोन, मिनी ड्रोन जिसको है कि भाई मेरे को कुछ अलग सा ड्रोन चाहिए वो ला के दो, लेके जाओ। लुकिंग और उसका रिमोट दोनों ही छोटे छोटे, बहुत बहुत जबरदस्त है भाई। तो इसमें भी अपने एक्स्ट्रा कुछ मतलब प्रोपेलर वगैरह, एक्स्ट्रा सब सेम एक्सेसरीज हाँ, सबके साथ है। वाओ यार हम यहाँ तक आ गए हैं, तो भाई जिन्होंने देखा है सबसे पहले उनके लिए गिव अवे एक और कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, एक बार खोल दें यहाँ पर। और गाइस एक चीज है, फ्री गिफ्ट्स है इनके साथ सबके साथ। प्रीपेड ऑर्डर करते हो जब, COD में नहीं, प्रीपेड करोगे तो आपकी मर्जी का, या तो ड्यूरेसेल ले लेना, ओके ठीक है आपकी मर्जी का, यहाँ पर से आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है ये ले लेना, कोई भी आपका रिमोट मिल जाएगा। ठीक है ओके, या आप ले सकते हो आपकी मर्जी का आपका ड्रोन की बैटरी, अच्छा ड्रोन की बैटरी मिल सकती है सारी भाई, पर मॉडल्स हर एक के अलग अलग है, मिनी ड्रोन की अभी नहीं है, ठीक है, और मोस्टली ड्रोन की आपको मिल जाएगी। देखो कितनी सारी 200-300 बैटरीज आपके लिए मंगा रहे हैं। वाओ यार पूरा यहाँ तो भरमार पूरा है। और ऐसे 3-4 पैकेट पड़े जस्ट बिकॉज के ड्रोन्स की काफी आप वो लोग करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ड्रोन की बैटरी फ्री है, प्रीपेड में, सीओडी में नहीं। अच्छा प्रीपेड पर है, प्रीपेड पर है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, यही सेम वही रिमोट है आपका, वही सेम आपका, ठीक है। तो चीजें बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मोस्टली हमारा है ना, दिखा ही दिया इस ड्रोन का तो लुक एंड फील, हमारा जो अच्छा बोल सकते हैं बड़ा ड्रोन, अच्छा जिसको है थोड़ा बड़ा चाहिए, हर एक बंदा बोलता है भैया थोड़ा बड़ा ड्रोन चाहिए, बड़ा ड्रोन चाहिए, बिल्कुल पावरफुल चाहिए, पावरफुल बड़ा ड्रोन होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो वो करते हैं, अब यहाँ पर मैं एक बार वो देखते हैं हम लोग कि हमारे पास यहाँ पर ये दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं इसको, ठीक है। हमारे थर्ड विनर आने वाले हैं, थर्ड विनर आएगा भाई, जरूरी है क्योंकि आप लोग करते हैं। H63 की हमने लेनी है, अच्छा जो अभी फिलहाल में डली हाँ, उसकी तो बहुत चर्चा हो रही है वीडियो की, बहुत 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 प्यार दे रहे हैं लोग, आप लोग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, शेयर करते हैं, कॉपी लिंक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस करते हैं, यहाँ लिंक पेस्ट करते हैं भाई, और अच्छे से कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जब ही जाके मिलेगा आपको, सुमेक श्योर आपको पता हो कि भाई क्या लेना है क्या नहीं, ठीक है। इसमें आपने कमेंट्स कम ही करे, देखो सोचो इतने वीडियोज के बाद भी सिर्फ 104 कमेंट है,
बट फिर भी एक विनर ही पिक करेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट कम करते हो। ये आ गए अपने विनर भाई, आपकी शॉप के उधर है, बट बाकी आप ये लोग जीत चुके, विलास झल्ला झाला जो भी है भाई, मगर आप विनर हैं। ठीक है, कोई भी ड्रोन अपनी मर्जी का ले सकते हैं। क्या बात, ठीक है। अब हम इसके बाद लास्ट विनर हम एंड में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आ जाते हैं हमारे जबरदस्त बिग ड्रोन के ऊपर, सबसे बड़ा ड्रोन हमारा XDZ1 की भी फ्लाइट हो गई थी ना हमारी। हाँ, हो गई हमारी। चलो, हमारा TR पायोनियर का गरुड़ा ड्रोन, धमाका है ये। ये तो बहुत बड़ा ड्रोन, बहुत बड़ा ड्रोन है, ठीक है। ड्रोन उस हिसाब का है, अभी पावरफुल भी है काफी, सच में। ठीक है, यहाँ पर व्यू देख लो, ऑप्टिकल फ्लो फॉलो मी बोलते हैं, अच्छा वर्क करता है, अच्छे से टेस्ट नहीं करा है। okay. उसके बाद HD वाइड एंगल कैमरा, हाँ इसका लेंस बड़ा है तो अच्छे एंगल देता है, मतलब बहुत ज्यादा ही डिस्टेंस कैप्चर हाँ कवर करता है। उसके बाद ये हैंड जेस्चर कंट्रोल है, मतलब इसमें ये है कि आप यूं करके या यूं करके फोटो करोगे क्लिक कर देता है। हाँ, यूं करना है बस आपको, इसे कैमरा की तरफ देखते हैं, बढ़िया चीज है। उसके बाद कैमरा स्विच दे रखा है, अच्छा है। ऑटो रिटर्न वर्क करता है भाई इसमें, मतलब आप कहीं भी दूर है उसके बाद आपके रिमोट में शायद GPS होगा या क्या होगा, अपने आप वापस आ जाएगा। अच्छा, वापस वहीं आ जाएगा। हाँ। वाह यार, अच्छा है। 360 फ्लिप बहुत जबरदस्त सच में, और क्वालिटी मतलब ये अच्छा ड्रोन है बोलते हैं। वाह यार, दिखाओ इसी बात पे, बड़ा है काफी, धमाका है, मतलब एक तरीके से पैकेजिंग इतनी बड़ी है इसकी, तो ड्रोन कितना बड़ा होगा ये देखो। वाह यार, मैनुअल मानो इतनी बड़ी है बोलते हैं। ये देखो इसमें प्रोपेलर्स वगैरह कितने बड़े-बड़े हैं, ठीक है। ये फ्री और इसका चार्जर ब्लिंक मारता है, चार्जर ब्लिंक मारेगा इसका। रियली? हाँ, जब चार्ज करते हो इसका, बढ़िया एकदम। ये है ड्रोन, अब ड्रोन देखना आप कितना बड़ा है, अंदर लग ही रहा होगा शायद आपको। देखो मैं तो अभी पंखड़ी बंद है, इतनी बड़ा लग रहा है, खुलने के बाद क्या लगेगा ये। ये करा, वाह यार, ये करा, अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन है, सबसे बड़ा ड्रोन है इसको। ये 998 प्रो से कंपेयर करते हैं, अरे बच्चा लग रहा है, खा गया ऐसा लग रहा है। अरे यार, ये तो गायब हो गया, चील लग रहा है ड्रोन की, बहुत बढ़िया। वाओ, लुक इसके आगे से कितना खतरनाक है, अच्छा है काफी, बड़ा है, बहुत दमदार है। इसकी मोटर जो है बहुत पावरफुल है, सच में बहुत पावरफुल है इसके ड्रोन, अब खुद देखना। उड़ता भी अच्छा है, आवाज बस थोड़ी करता है क्योंकि पावरफुल मोटर्स दे रखे थे, इसलिए आवाज तो देखो थोड़ी करनी बनती है ड्रोन की। सही बात है। तो जैसे आपका इसमें लेंस एडजस्टेबल है, ओके, डुअल वही सेम मिल जाता है, बड़ा है, पावरफुल बहुत है। इसकी जो बैटरी है भाई बहुत बढ़िया, देखना अदर के मुकाबले बहुत बढ़िया। आप किसी भी ड्रोन की बैटरी देख लो, जैसे X16 की निकाल लेते हैं हम लोग, इसका थोड़ा भी बड़ी होगी, ये निकालते हैं शायद, ठीक है। ये देखो, ये 998 प्रो की, अरे जमीन आसमान का फर्क लग रहा है, जमीन आसमान का फर्क है बहुत ज्यादा। इस वजह से अब इनकी भी देखोगे तो उससे बहुत सबसे बड़ी ड्रोन की बैटरी है इसकी, ठीक है। तो इसलिए इसका फ्लाइट टाइम कम, साइडों में लाइट वगैरह क्या दे रखी है, हां भी देखते हैं क्या चीज है ये भाई, जलेगी ना, बहुत बढ़िया, जलने के लिए दे रखी है क्या, ये देखो आप। वाओ यार, है ना, रात में उड़ते कितना दमदार है, लाजवाब। ये देखो, ये बड़ा UFO है हमारा, बड़ा UFO बोल सकते, मतलब अच्छा है काफी। लुक देखो, कैमरा भी अच्छा है और बड़ा कितना है, बहुत बढ़िया, और हार्ड है, मतलब इन सबसे सबसे मोटी मतलब तगड़ी क्वालिटी बोल सकते। अच्छा, बॉडी ज्यादा इसकी, बॉडी हैवी है और क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। तो इसका रिमोट दिखाता हूँ, और ये देखो ये भी दे रखे हैं, ये तो और कितना तगड़ा लगेगा, अलग सही उड़ते हुए लगेगा जब आप इसको यहाँ लगाओगे ना इसके इन जगह पे, तो और ही लगेगा बड़ा तगड़ा उड़ता, और बड़ा लगेगा ये तो इससे। तो अभी इसको यहाँ रखते हैं, रिमोट निकालते हैं, ये देखो इसका रिमोट, काफी ज्यादा फीचर्स हैं, लाइट ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, अभी इसमें सेल नहीं है। okay. फोटो अगर यहीं से खींचनी वगैरह हो, स्टार्ट करनी तो वो हो अच्छा. जाएगा। स्पीड कंट्रोल है, okay. लो मीडियम हाई। उसके बाद ये ऐसे यहाँ पर कैमरा लग जाएगा, फोन आपका, ये अपना टेक ऑफ लैंडिंग प्रॉपर मैनुअल पढ़ लेगा, नीचे इसकी भी मैनुअल है, और भी चीजें, और तो चीजें नहीं है इसकी, ये नहीं मतलब हमने बाहर ही निकाल दी। तो इसका रिमोट रहेगा कुछ ऐसा यूनिक है, अच्छा है, पर ड्रोन सबसे हैवी है और बहुत अच्छा। चलो भाई देखना, खुद ही आप खुद बोलोगे हाँ भाई स्टेबल है, जबरदस्त है, पावरफुल है, कैमरा सब जबरदस्त है। तो सीधा चलते हैं बाहर। तो गाइज ये देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जबरदस्त ड्रोन जो मुझे लगा था हमारा पायोनियर का गरुड़ा ड्रोन, स्टेबल, बहुत जबरदस्त है, कैमरा क्वालिटी बहुत, और पावर सुन रहे हो आप इसकी, कितनी ज्यादा पावर है इस ड्रोन में, उन सबसे बड़ी मोटर है जो कि अभी तक हमारे पास सारे ड्रोन है, बड़ा भी कितना, और लाइटनिंग देख सकते हो कितना कूल लग रहा है, ये देख सकते हो भाई बहुत जबरदस्त। थोड़ा ऊपर देखते हैं कितना उड़ सकता है, 1, 2, 3 ये गए हम और ऊपर, ओ भाई ओ इससे तो ऊपर और ऊपर चला जाएगा बहुत ज्यादा। और इसमें फीचर्स भी है, शायद अपनी जगह पे दोबारा आ जाए, बाकी हम देखते हैं। देखो कूल बहुत है, ठीक है। उसके बाद लाइटनिंग का अगर आपको ऑन एंड ऑफ करना है, बैटरी देखो बंद कर दी हमने, जला ली है, थोड़ा नीचे ले आता हूँ तो बैटरी का भी आप देख पाओगे अच्छे से, ठीक है। और आगे ले आते हैं थोड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर रखते हैं, देखो कुछ नहीं कर रहा मैं, अपने आप एक जगह पे है ड्रोन, एक जगह पे है, कुछ भी नहीं हो रहा। लाइटनिंग ऑफ कर दी ताकि आपको बैटरी टाइम ज्यादा चाहिए, कंपनी ने बोल रखा है इसका आधे घंटे तक का भी बैटरी बैकअप है। स्टेबिलिटी देख सकते हो कितना ज्यादा स्टेबल ड्रोन है भाई, और एक जगह पे टिका हुआ है, और पूरा 360 रोटेट कर देते हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये है हमारा ड्रोन, ऊपर
ये देख सकते हो, ठीक है, नीचे देख सकते हो भाई, बहुत, और फीचर्स भी बहुत हैं। लेट्स सी 360 फ्लिप कैसा मारेगा। ओ भाई गजब, ठीक है, दोबारा देखते हैं इसका। यहाँ पर आप स्नैपशॉट वगैरह इमेजेस वगैरह भी ले सकते हो। दोबारा देखते हैं, ये देखो प्रॉपर, ठीक है, मतलब बहुत जबरदस्त है, मेरे को खुद बहुत बढ़िया लगा। आगे की तरफ देखते हैं, ये देखो आगे जवाब, तो ये हमारा फेवरेट ड्रोन है भाई हमारा ये, ठीक है। तो आगे गाइस आप देख सकते हो कैसा जबरदस्त स्टेबिलिटी में इतना बड़ा ड्रोन सच में यार। हर ड्रोन की एक प्लस पॉइंट है, इसका प्लस पॉइंट है कि इतना बड़ा ड्रोन है जिसको बड़ा ड्रोन चाहिए। कैमरा क्वालिटी सबसे अच्छी, स्टेबल है, हाँ, स्टेबल है बहुत ज्यादा, और क्वालिटी बहुत अच्छी है सच में। इसमें फीचर भी है वन की रिटर्न वाला जो आप पसंद, वो चीज जबरदस्त है यार, मतलब फीचर देख सकते हो ड्रोन कितना जबरदस्त है। और उसका तो लैंडिंग करने का तरीका है, पंप मारता है अच्छा, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग करता है सच में। तो जिसको भी चाहिए भाई क्वालिटी वाला, ये सबसे टॉप एंड हो, बट मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट H63, ठीक है, फिर ये वाला वो अपना लर्निंग पर्पस के लिए, हाँ लर्निंग पर्पस, जिसको फर्स्ट टाइम ड्रोन खरीदना है वो लेके, जो बजट है उसे बेटर ड्रोन नहीं है। फीचर्स बहुत है, कैमरा अच्छा है, साइलेंट ड्रोन है एज कम्पेयर टू अदर्स, बहुत फास्ट उड़ता है, ऊपर जाता है, फ्लाइट टाइम भी अच्छा है इसका, अच्छा है, तो चीज सब बढ़ेगा। उसके बाद फिर ये, फिर H16 दोनों कंपेयर करो, फिर उसमें तो आपने सब देख लिया बजट के हिसाब से। तो ये था हमारा लास्ट ड्रोन, पार्ट वन यहाँ खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा लगा है तो मेक श्योर कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना। आपको पता है जब भी आप गिव अवे विनर बन पाओगे और जब भी आप जीत भी पाओगे, आपके ड्रोन मर्जी के, ठीक है। ऐसे ही वीडियोज आते रहेगी, पार्ट टू के लिए बने रहना। करते हैं वीडियो का एंड, फ्री गिफ्ट्स वगैरह सारा हो गया, एड्रेस वगैरह सारा हो गया। ऑर्डर करना है कोई भी क्वेरी होती है, नंबर भी स्क्रीन से आप देख के कर सकते हो व्हाट्सएप पे, वरना वेबसाइट जो है सबसे फास्ट आपके लिए होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, करते हैं वीडियो को एंड। सबकी वीडियोज हो गई, सबकी क्वालिटी वगैरह हो गई, कुछ भी शो नीचे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो।